तरीके से मणिपुर में जो घटना हुई उसको लेकर संसद में जो कार्रवाई स्थगित की जा रही है उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो कार्रवाई की जा रही है वो केवल डॉक्यूमेंटली है, हमें उनका दिखना चाहिए, मौके पर दिखनी चाहिए कार्रवाई, और वो दिख नहीं रही है। हमें नहीं महसूस हो रहा है कोई कार्रवाई हो रही है। जिस तरह जनता का पैसे से संसद चलता है, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उस बारे में क्या कुछ कहेंगे? उसमें सरकार पूर्ण रूप से विफल है। सरकार वहाँ गुंडों के साथ पर, माफियाओं के साथ पर। जिस तरीके से संसद में कार्रवाई स्थगित की जा रही है मणिपुर गार्डन को लेकर, उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मणिपुर के बारे में संसद की जो कार्रवाई चल रही है, सरकार जानबूझ के कोई चर्चा नहीं कराना चाहती और आरोप प्रत्यारोप पक्ष पर मर देती है, जबकि हकीकत यह है कि मणिपुर की समस्या का सरकार समाधान करना ही नहीं चाहती। मणिपुर के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं और करीब 4 मई से जो घटनाएं घटी वो इस देश को शर्मसार करने वाली घटना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह संसद की कार्रवाई स्थगित की जा रही है उसको लेके? देखो, ये बीजेपी की कहीं ना कहीं अड़ियल रवैया है। अगर कोई घटना कहीं होती है और उसको कोई उठाता है तो बीजेपी उस पर तानाशाही दिखाती है। मणिपुर में जिस तरीके से हमारी महिलाओं के साथ बर्ताव की है और दरिंदगी की है, हमारी ये मांग है भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री चुप्पे मारे बैठे हैं। अगर ये सरकार किसी और की होती तो अब तक वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया होता। इसलिए बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि वहाँ कोई राष्ट्रपति शासन लगे या मुख्यमंत्री को हटाया जाए। हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ वर्ता की गई है उन लोगों को फांसी हो और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जिस तरीके से संसद में कार्रवाई स्थगित कर रही है सबको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, ये सरकार द्वारा एक जो उसकी नाकामी है, सरकार की जो उस पर चर्चा नहीं करना चाहती, और हम सब लोग मिलकर राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं और राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं वहाँ पर। नहीं, मेरा सवाल ये कि संसद में चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार चाहती नहीं है चर्चा करना। सरकार तो कह रही है कि चर्चा करो। कारण है, अगर दो महीने अगर किसी चीज़ का रोकथाम नहीं कर पाते, सरकार की विफलता है वहाँ पे। अगर यही कोई किसी के साथ और हो चुका होता तो वहाँ पर अब तक कई कार्रवाई हो चुकी होती। जिस तरीके सदन को बाधित किया गया, सदन न चलने देने का मतलब क्या है, इस पर आपकी राय? सदन न चलने का मतलब, सदन को चलना चाहिए, सदन को चलना देना चाहिए, और इसमें जो है प्रधानमंत्री आए, अपने सदन में बात रखें, सदन में बताएं, अपने सदन के सदस्यों को अपने अवगत करें कि क्या कार्रवाई करी जा रही है। 77 दिन तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। जब उसके बाद जब मीडिया से जब जो मीडिया ने जब इसके फ़ोटो वायरल हुए हैं तब उसके बाद, और सबसे ज़्यादा इसमें दोषी मीडिया है, मीडिया ही इन्हें बढ़ावा देती है, मीडिया ही सबसे ज़्यादा इनके लिए इनका प्रचार करती है, इनका मीडिया तो जो है प्रचार बन गई है। इसलिए मीडिया को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मीडिया इनकी कमियां निकालती नहीं है, इनकी बढ़ाइयां हर जगह इनकी बढ़ाइयां, और ये तो जादूगर लोग हैं। अभी देखो ये कौन सा इसे छुपाने के लिए कोई दूसरा जादू लेके आए। सदन को नहीं चलने के, सदन कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, और जिस तरीके से क्या है इस पर आपकी राय? देखिए, सदन न चलने देना ये विपक्ष की एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि सदन से देश चलता है और देश से सदन चलता है। जब सदन नहीं चलने देंगे तो हमारे देश की जो प्रक्रियाएं हैं सब रुक जाएंगी, देश का विकास रुकेगा। आप चर्चा करिए, चर्चा से मत भागिए। अगर भारतीय जनता पार्टी चर्चा से भागने का प्रयास कर रही है, आप सड़कों पर उतरिए, लेकिन सदन को बाधित करना मेरी नज़र में ये गैर कानूनी है, ये अपराध है। जिस तरीके से सदन को नहीं चलने दिया गया और सदन को बाधित किया गया है, क्या है इस पर आपकी राय? देखिए, ये बहुत गरिमापूर्ण मामला है, मानसून सत्र चल रहा है। कृपया विपक्षियों और जो हमारे लोकसभा में सहयोगी हैं उनको इस विषय को रखना चाहिए और भविष्य में देखना चाहिए क्या कारण है, क्या कारण से देरी हो रही है बयान देने में, तो उसके परिप्रेक्ष्य में समस्त जानकारियां करने के बाद ये सदन को चलने दिया जाए, क्योंकि ये बहुत खर्चीला विषय है, खर्चा भी हो रहा है और देश की जनता जानना भी चाह रही घटना कैसे घटी। जिस तरीके से सदन को बाधित किया गया, सदन को चलने नहीं दिया गया, क्या है इस पर आएगा आपकी राय? देखिए, सदन को ना चलने दे रहे हैं जो लोग, वो गलत है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को जो मणिपुर में घटना हुई उसी के कारण सदन को नहीं चलने दिया जा रहा, तो प्रधानमंत्री जी को उसको जवाब देना चाहिए, या भाजपा के किसी अच्छे लीडर को वहाँ जवाब देना जरूरी है, क्योंकि बहुत गंभीर घटना है वो। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने उस घटना को संज्ञान में लेते हुए अपने ध्यान भी दिए हैं कि ये पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, तो प्रधानमंत्री जी का इतना कहना ही बहुत है। लेकिन जो विपक्षी सदन को नहीं चलने दे रहा है, ये गलत। मणिपुर घटना को लेकर
उन तक में बात की थी, उनके उन तक जो बार बार से सवाल उठा रहा है, अगर बात की जाए देश में तो एक अलग तरह का माहौल है, लेकिन मणिपुर पर कोई बात नहीं होगी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मणिपुर में जो सरकार है बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी जो इन पे बात नहीं कर रही है वो इसलिए नहीं कर रही है ताकि उनकी सरकार वहाँ से गिर जाएगी, और वो अपनी सरकार को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बहन बेटी वाले सब हैं और सभी को इज्जत प्यारी है और होनी चाहिए, लेकिन जो हमारे मान्य लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो बैठे हैं, वो लोग शादीशुदा नहीं हैं, बहन बेटी वाले शायद वो नहीं हैं। अगर वो बहन बेटी वाले होते तो उन्हें उस चीज़ का एहसास होता, तो इसे संसद में इसलिए नहीं उठाया जा रहा। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें मणिपुर जाना चाहिए था और इस विषय में अपने मुख्यमंत्रियों को अगवा कराना था। मणिपुर के मुद्दे को तो ये दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सीमा का मैटर तो उछाल रखा है और मणिपुर का जो है दबा रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ इसमें मणिपुर में जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को बीच चौराहे खड़े होकर गोली मार दो। जी, ये मुद्दे इसलिए नहीं उठ रहे कि जब तक ये एक दूसरे को जाति धर्म में बांट रहे या सीमा को लेके अब किसी को भी लेके इन्होंने मुद्दे उठा रखे, इन मुद्दों में लज रहे, तो संसद में मणिपुर का मुद्दा कहाँ से लाएं? इसलिए मुद्दा मणिपुर का दबा रखा है कि एक दूसरे में इंगत इंगत बातें कर करके उसमें भटका रहे लोगों को, अब खुद भी इधर ही लज गए सीमा को लेके, अब दूसरी आ गई एक और उसमें लज गए, तो इस चक्कर में इन्होंने मुद्दा दबा रखा है मणिपुर का। देखिए, इसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो है सबसे बड़ी विफलता हमारी सरकार की है, जो खुल के सामने नहीं आना चाहती। इसमें दोष विपक्ष का भी है, क्योंकि विपक्ष मुद्दों पर बात करने से कहीं ना कहीं गलबला देता है, नारेबाजी ना करके अगर मुद्दों पर बात करी जा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात यह है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका आईटी सेल जितना राहुल पर काम करता है, काश उससे आधा काम अगर मणिपुर पर करा होता तो आज हमारी इन बहन बेटी बच्चियों के साथ में यह घटना ना घटती। ये बीजेपी सरकार की एक ऐसी पॉलिसी है मणिपुर घटना को छुपाना, कि इनकी उसमें नाकामयाबी दर्शा रही है, जो मणिपुर घटना को छुपा रहे हैं तो उससे ये नाकामयाब हैं काम करने में, देश की रक्षा करने में, इसलिए ये उसको छुपा रहे हैं। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, इस वक्त जो सरकार का मामला है, मुझे सरकार की नीति अच्छी नज़र नहीं आती, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बल्कि पूरे सभी देशवासी सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर चाहें जरा सा क्राइम नहीं होने दे सकते। और आज मणिपुर में ख़ास तौर से ये जो बच्चियों को निवस्त्र सड़कों पर जो घुमाया गया है, ये बड़ी शर्मनाक घटना है, और इसके लिए बड़ी शर्म की बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से सिर्फ दो अल्फाज आए हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, कार्रवाई जो नहीं हो पा रही है ये सरकार की ही साजिशें हैं, जबकि अगर ये देश के हिसाब से देखा जाए ये मुद्दा बहुत हाईलाइट होना चाहिए। जी देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है, और संसद में जो कार्रवाई नहीं हो रही है वो ज़्यादातर इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो भी लोग विपक्ष के बोलना चाहते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता, और कुछ जब थोड़ा बहुत बोलते भी हैं तो उनको 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए संसद से निकाल दिया जाता है। कुछ लोग इस डर से भी चुप लगा जाते हैं, वो बोल नहीं पा रहे फिर कि भाई हमें संसद से बाहर निकाल दिया जाएगा। सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो विपक्ष है बड़ी मजबूती के साथ आवाज़ उठा रहा है, और जो मौजूदा सरकार है उसको आवाज़ को दबाने का काम करती है, और जो ज़्यादा आवाज़ उठाएगा उसको जेल भेजने का काम करती है, उसको बिल्डोजर चलाने का काम करती है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो मुद्दा वहाँ चल रहा है या बात चल रही है या मसला चल रहा है वहाँ बहुत शर्मिंदा है, हम बहुत शर्मिंदा है, उस तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। इस सरकार का मेन मुद्दा तो ये विपक्ष कमज़ोर रहे, और संसद में कोई भी आवाज़ उठाता है उसको 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 8 साल के लिए, 3 महीने के लिए उसको सस्पेंड कर देते हैं, संसद से उसको बाहर कर देते हैं। अब क्या है कि ये गूंगी बहरी सरकार है, गूंगे बहरों का कोई इतिहास नहीं होता, ना ही कहीं पे इनका इतिहास लिखा जाए कोई इन्होंने अच्छा कार्य किया है। बोलने वाला जिंदा होता है, ये गूंगे बहरे बन के काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज अगर जो हमारा
विपक्ष अब मजबूत होता तो उनसे सवाल करता इन्हें जवाब देना पड़ता, लेकिन एक दिन जनता से इनसे सवाल करेगी और इनको जनता का सवाल का जवाब देना पड़ेगा, वरना फिर जनता जवाब देगी। मणिपुर में जिस तरह की हृदय विदारक घटनाएं घटी हैं, इसका मोदी सरकार को और डबल इंजन बताने वाली सरकार को ये जनता के बीच में बताना होगा कि वह कितनी संवेदनशील है लड़कियों के मामले में। लड़कियों के साथ जिस तरह से नंगा नाच और मोदी के संरक्षण में, वहाँ की मुख्यमंत्री के संरक्षण में जिस प्रकार से हुआ है, 38 दिनों तक कोई सुनने वाला नहीं रहा। संसद नहीं चलने दे रहा है, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, विगत कुछ दिनों से जो संसद में गतिरोध व्याप्त है और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन की कार्यवाही ठप है, लेकिन जो मणिपुर हिंसा है ये बीते 3 माह या 2 माह से बराबर वहाँ पे सामुदायिक तनाव चल रहा है, जिसके कारण वहाँ के लोगों का जो आम जनजीवन है वो काफ़ी बाधित है। और इसके अलावा हाल ही में कुछ दिनों पहले जो वीडियो वायरल हुआ, जिस जो महिलाओं और बच्चों के साथ इस प्रकार का जो मानवता को संहार कर देने वाला जो कृत्य हुआ, वो कहीं ना कहीं उनके मानवाधिकारों और संविधान वर्णित मूल अधिकारों को हतोत्साहित करता है। और मणिपुर की इस समय जो आंतरिक सुरक्षा है और जो सीमावर्ती राज्य होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा है, वो उसके लिए भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो ये एक राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है और इस पर होनी चाहिए। हिंसा में दो समुदाय मैथी और कुकई समुदाय के बीच पे जो हिंसा चल रही है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि दो समुदाय पिछले कई महीनों से आपस में लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। दो समुदायों को खुला दंगल कराने का काम किया जा रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, और विपक्ष की जो मांग है वो सही है। विपक्ष चाहता है कि संसद पर इस पर बहस हो और मैतई और कुकई समाज के जो युद्ध की स्थिति है उसे समाप्त हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महिलाओं के ऊपर जितने उत्पीड़न इस सरकार में हुए हैं आज तक किसी सरकार में नहीं हुए, और जब भी कहीं ऐसी घटना हुई तो सरकारों ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उस पर कार्रवाई करने का काम किया। आज मणिपुर में जो घटना हुई है उसमें पूरा देश अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि हर घर परिवार में बहन बेटियां हैं, माताएं हैं, हर कोई अपने आप को मणिपुर की घटना से जोड़कर देख रहा है। पिछले 2 दिन से संसद नहीं चल पा रही है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, संसद तब चलेगी जब देश के साथ न्याय होगा। मणिपुर कोई देश की सीमा के बाहर नहीं है। मणिपुर में पहली हिंसा 4 मई को हुई, उसके 78 दिन बाद एक ऐसा वीडियो मणिपुर से आया जिसने पूरे देश का सर झुका दिया। आप देख सकते हैं वहाँ की सरकार किस तरह से लापरवाह रही। क्या 78 दिन तक वो वीडियो दबा रहा? क्या सरकार को पता नहीं था कि 3 महीने से लगातार वहाँ पर जिस तरीके की दो पक्षों में लड़ाई चल रही है, क्या सरकार उसको शांत कराने में नाकाम रही? यही कहना है, जो लोग इसमें मतलब इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं उन्हीं की गलती है। जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये सब करना चाह रहे हैं, इसमें किसी काम को रोकने का मतलब नहीं बनता, इसे तो सुलझाने का बनता है। हमारी तो राय यही है कि सब वाक है, एक दो कोई नहीं मानते तो उन्हें भी बुला के बिठा के समझाया जा, क्योंकि इसमें तो देश की इसमें जो है वो होती है हमारी इंसल्ट, और जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई अभियान चलाया जा। 2 दिन से संसद नहीं चल पा रही है, इसमें आपका क्या कहना है? कहना यह है, देखिए संसद ना चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ देखिए, जो मणिपुर के अंदर घटना घटी है, एक महिला को निमस्त किया गया है, इस पर एक्शन नहीं हो रहा। देखिए, विरोध तो है, इसको करना भी चाहिए ना। पहले संसद तो जब पहले अपने इन जो गलत काम हो रहे हैं इनको रोकना चाहिए। विरोध है और ये सही भी है विरोध करना। महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ, जहाँ हमारे देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री इस चीज़ पर एक्शन लिए हुए हैं कि महिलाओं को सशक्त कर कानून बना रहे हैं, तो ऐसे जो लोग महिलाओं के साथ गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। संसद इसलिए बंद है, होना भी चाहिए। मणिपुर को लेकर जो संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, ये सिर्फ विपक्ष का
एक तरफा अपनी मनमानी करना और दाबंग तरीके से संसद को ना चलाना ये देश के हित में नहीं है, क्योंकि इससे आम जनता को और आम जनता के फेवर में जो निर्णय होने चाहिए, जो सही निर्णय हैं, जो सही पॉइंट हैं, उन्हों पे बात ना करके संसद को ना चलते हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं। इसमें मुख्य वजह मणिपुर को लेकर विपक्ष बिना मतलब का हो हल्ला कर रहा है, जबकि संसदीय कार्य मंत्री और गृह मंत्री दोनों बोल चुके हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप चर्चा करें। संसद सत्र शुरू होने से पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने काफ़ी कड़े शब्दों में मणिपुर कांड की भर्त्सना की है, लेकिन विपक्ष बिना वजह कारण कुछ नहीं है। और उसके साथ साथ राजस्थान और बंगाल पर भी चर्चा हो उसको जो तैयार नहीं है, लेकिन मणिपुर पर चर्चा को तैयार है, ये जो कि गलत है राजनीतिक दृष्टि से। दो दिन से संसद ना चलना इस बात का प्रतीक है कि मेरे देश के जिम्मेदार नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, इस देश की बेटियों के सम्मान और स्वाभिमान पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और साथ ही साथ इस देश की राष्ट्रपति महोदय से मेरा निवेदन है, मेरी अपील है कि जिस देश की, जिस भारत की भूमि के इतने पावन देश में बेटियों का अपमान हो रहा हो, जहां बेटियों को नंगा घुमाकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जा रहा हो, इतने गंभीर विषय पर भी यदि देश की सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है तो इससे बुरा इस देश के साथ कुछ हो ही नहीं सकता है। संसद जो मणिपुर में हमारी बहन माता बहनों के साथ हुआ बहुत बहुत जरूरत हुआ है, इस पर मोदी जी, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी तुझ भी बयान देने के लिए तैयार नहीं है। संसद में अपने हिसाब से चर्चा के लिए तैयार है, ना कि जो देश चाहता उस हिसाब से चर्चा करने के लिए तैयार है। और जब तक ये नहीं मानेंगे, हमारी मानेंगे जब तक संसद खप्पी रहेगी। जो संसद भवन बंद हुआ है उसको लेकर क्या राय है आपकी? संसद भवन जो बंद हुआ है तो गलत बंद हुआ है, जो चलना चाहिए तो वो तो पूरा खुलना ही चाहिए। अगर ऐसे हर का आदमी काम करेगा और बंद हो जाएगा तो फिर कौन विश्वास रखेगा? संसद के आदमी को भेजा जाता है यहाँ से वोटिंग करने के बाद, एमपी बनाने के बाद में वहाँ पे जब वोट आने के बाद उसका एमपी बनता है तो वहाँ कोई कार्रवाई होती नहीं, कुछ नहीं होता, बेकार है संसद भेजने में। देखिए ऐसा है कि जिस वक्त कोई बड़ा वो होता है, कार्रवाई होती है, बड़ा कोई मसला होता है तो उस वक्त तो संसद खूब चलती है, चर्चे होते हैं कि भाई हमने ये करा, हमने वो करा, बड़ी बड़ी बड़ाइयाँ मारी जाती हैं। लेकिन जिस वक्त कोई कांड ऐसा हो जाता है कि जिसमें व्यक्ति की नज़रें झुकने लगें, देश की नज़रें झुकने लगें, तो उस टाइम पर संसद ही बंद कर दी गई। कमाल है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। देखिए सांसद भवन मणिपुर वाले केस की वजह से बंद है, जो जैसा मणिपुर में हुआ है उस वजह से सांसद भवन बंद चल रहा है। विपक्ष और पक्ष जो है दोनों आपस में काफ़ी बहसबाजी हो रही है, विपक्ष हंगामा कर रहा है जिस वजह से सांसद बंद है। लेकिन ये सांसद बंद होने के कारण काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे देश के लिए कि सांसद ही देश का बंद है, जहाँ पर आम आदमी की आवाज़ सुनी जाती है। हमारी तरफ से जितने भी वोटिंग होती है, हमारी तरफ से जो भी खड़ा होता है कैंडिडेट, उसको हम जिता के वहाँ भेजते हैं, हम अपनी बातें उनसे कहते हैं, वो सांसद भवन में कहते हैं। लेकिन जब सांसद ही नहीं चलेगा तो आम आदमी की या फिर किसी भी चीज़ की हमारी जनता की कैसे सुनवाई होगी? देखिए विपक्षी जो है संसद नहीं चलने दे रहा, और बात की जाए मणिपुर की, मणिपुर में हिंसा चल रही है, महिला को नंगा घुमाया जा रहा है, क्या कहना आपका? मणिपुर में गलत हो रहा है ये, मोदी जी को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। और विपक्ष तो करेगा ही, विपक्ष का काम है, और गलत अत्याचार हो रहा है और कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दिलवानी चाहिए इन लोगों को। क्या लगता है आपको जिस तरह से हिंसा हो रही है, कुछ हिंसा पे कोई रोक लगनी चाहिए? बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल गलत हो रहा है पब्लिक के संग वहाँ पे। विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, और बात की जाए मणिपुर की तो मणिपुर में जो है जो महिला के साथ हिंसा हुई है लगातार, ऐसा मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? विपक्ष को तो ये तो शुरू से 5-10 साल से हल्ला ही काटते हुए आ रहे हैं कि मोदी जी गलत काम कर रहे हैं। नोटबंदी में भी उन्होंने मोदी जी का साथ नहीं दिया, बाकी उसके हिसाब से भ्रष्टाचार के हिसाब से और पाकिस्तान में जो गलत नोट छापे जाते थे उसके हिसाब से मोदी जी ने नोटबंदी करी, तो अभी विपक्ष ने बहुत वो हल्ला करा। अभी विपक्ष वही हल्ला करता रहेगा, उसका तो काम ही हल्ला करने का है, ठीक। पर
जो मणिपुर में हुआ कांड वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की भी बहन बेटी के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह संसद नहीं चलने दे रहा विपक्ष और मणिपुर में जो हिंसा हुई है, क्या कहेंगे? देखिए जी, विपक्ष का काम है गवर्नमेंट को बदनाम करना। वो तो हर समय गवर्नमेंट को बदनाम करती रहती है। गवर्नमेंट अच्छे काम करती है तब भी, और बुरा तो कोई गवर्नमेंट काम करने चाहती नहीं है। और गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जो लोग इसमें शामिल हैं, इस षड्यंत्र में, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाएगी। देखिए, घटना जो हुई है मणिपुर में वो निंदनीय तो है ही है, और जो विपक्ष चलने नहीं दे रहा है जिस प्रकार से, मोदी जी इस बात को बहुत गंभीरता से लें, और जो भी जिस व्यक्ति ने किया है, जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन माताएं बहनें जो होती हैं वो किसी की ऐसा नहीं है, जो उनके साथ हुआ है वो किसी औरों के साथ ना हो। इसलिए मोदी जी को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए, और जितना हो उन्हें कठोर से कठोर जो है उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, ये संरक्षण जो होगा ये जनता के पक्ष में होगा है। जो भी चीज़ें हैं, भ्रांतियां हैं, समय की बर्बादी, ये तमाम चीज़ें से लोग बचेंगे। जो फैक्ट है वो निकल के सामने आएंगे, दोनों पक्ष इसको स्वीकार करेंगे। मस्जिद की चीज़ें आएंगे, हिंदू पक्ष स्वीकार करेंगे, मंदिर की चीज़ें आएंगे, मुसलमान स्वीकार करेंगे। सबका समय की बचत होगा, विवादों से लोग बचेंगे, तमाम राजनीति जो हो रही है तमाम चीज़ें इस पर बढ़ेंगे। विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, और विपक्ष का काम ही यही है सरकार को बदनाम करना, जबकि सरकार बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। और बात रही मणिपुर की, तो वो गलत हुआ है, लेकिन मोदी जी ने आदेश कर दिए हैं जो जो भी इसमें है वो बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि विपक्ष को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है, जिसकी वजह से सरकार अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सके। लेकिन विपक्ष उसमें ज़्यादा बाधा न डाले, क्योंकि अगर विपक्ष जरूरत से ज़्यादा एक ही चीज़ पर फोकस करेगा तो देश की जो बाकी समस्याएं हैं, जो संसद के थ्रू हल होनी है, वो सब पेंडिंग हो जाएंगी। और सरकार पर ज़्यादा दबाव भी नहीं आना चाहिए, एक ही बात को लेकर सब मुद्दे उठाने चाहिए। लेकिन जो लोगों ने मणिपुर में ये जघन्य अपराध करा है, ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। कोई भी धर्म, जाति या समाज इसकी इजाजत नहीं देता। बहुत निंदनीय है और शर्मनाक वारदात हुई है वहाँ। वहाँ पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये बहुत गलत है। संसद नहीं चल रहा, लेकिन इस सरकार में प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, और वहाँ के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे देनी चाहिए मणिपुर के। वो कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने जो सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं, पक्का नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं तो उसमें तो बेगुनाहों को फांसा जाएगा, और ये हो जाएगा। और मणिपुर में जो भी हुआ है बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, तो किसी माँ बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बलात्कार या उसको नंगा घुमाना बहुत ही गलत है, उसको जो है सजा होनी चाहिए, मौत की सजा होनी चाहिए। मोदी जी ने आदेश कर दिया है, मोदी जी ने आदेश दिया है, वो जो भी बहुत ही सही आदेश है उसका अनुपालन होना चाहिए। विपक्ष जो है संसद नहीं चलाने, विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? विपक्ष तो होता ही था, विपक्ष नहीं होगा तो उसका विपक्ष कैसे।